मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग में आ चुके हैं हम लोग जिम। तो भाई जिम काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, काफ़ी दिन से ना जो चीज़ मैं ट्राई कर रहा था वेट लूज करने के लिए वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। अब फाइनली मैंने ठान लिया है कि कुछ भी करना है थोड़ा फास्टिंग करनी है। वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, अप्रॉक्स 120 तक चला गया वेट, क्योंकि दिन भर ना तो खाने का शेड्यूल रह पा रहा है ना तो जिम का शेड्यूल रह पा रहा है, इस चीज़ का प्रॉपर एक चीज़ का शेड्यूल रह ही नहीं पा रहा है। अभी फिलहाल आए हुए जिम में, उधर जिम करते मस्त वाली पूरी फुल कार्डियो फुल पूरी एक्सरसाइज पूरी लगा के ना उसके बाद हमसे फ्रेश होके नहा धो के फिर घर निकलते हैं। बाकी डे का अभी कोई रूटीन नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं मेरे माइंड में, तो फिलहाल आपको जाके दिखाऊंगा कि भाई करना क्या है। तो ये रहा सबसे पीसफुल और सबसे अच्छा जो मेरे को फेवरेट लगता है ना वो ये वाला कार्डियो सेशन है। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो भाई, यहाँ मैट डालो अपना, म्यूजिक लगाओ, डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो दिल करे वो कर लो। तो फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्डियो करते हैं तो देन उसके बाद फिर चलते हैं बाहर जिम के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई कलेक्शन वीडियो लाओ। सो फिलहाल आज मैं आपसे ना एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, एक बिग अनाउंसमेंट बोलते हैं ना, सो वो करने लगा हूँ। सो फिलहाल मैं आपको अपना टाइगर दिखाता हूँ, टाइगर है कहाँ पे। सो ये रहा अपना टाइगर, ये ना सबसे अलग खड़ा होता है, ये अकेले यहाँ सिंगल खड़ा है, बाकी सारी बाइक्स वहाँ खड़ी हैं। सो अपने फैट बॉय साइकिल भी यहीं खड़ा है, तो सिंगल खड़े होने के भी एक रीज़न है भाई, तो वो बाकी सारी चीज़ें वहाँ खड़ी हैं। सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि काफ़ी देर से ना चल रही थी हमारे घर पे। सो बात पता क्या दिक्कत पता क्या थी, तो बाकी बाइक ना नॉर्मल है बट ये बाइक थोड़ी सी ना मैंने दिखाया कि आपको इसका टॉर्क ना काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ना घर वाले अलाउ नहीं कर रहे मुझे ये वाली बाइक चलाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसकी वजह से ना मेरी ये वाली बाइक ने टोटली पुलिस वालों ने पूरी सीज़ की होती ना, सो ऐसे की हुई है कि इस पर एक दो इंसिडेंट मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि बाइक एक दो बार टोटली थोड़ा क्रैश हो गई थी, तो वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि घर वालों को पता चले कि मेरी बाइक क्रैश हुई है, और मुझे थोड़ी बहुत लगी भी थी तब, तो मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं से ना पेरेंट्स को पता चल ही जाता है। एक दो सिदरा वाली साइड में ना एक दो इंसिडेंट अपने फ्रेंड के साथ भी हुए, सो पापा हर एक बंदे की वीडियो देखते हैं, और जब पापा ने वो चीज़ें देखी और पापा ने एक दिन इस बाइक को चलाया और इसका टॉक देखा, तो पापा ने फाइनली डिसाइड किया कि भाई ये भाई बाइक सेल कर दो तुम लोग। दिन मेरे कज़न की डेथ हुई थी ना, तो मैंने इंस्टाग्राम जो मेरे साथ होते हैं तो जो लोग भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने उसकी पिक वगैरह फोटो पर डाली थी। फाइनली क्या हुआ था कि वो कहीं जा रहे थे ट्रिप के लिए, ताकि और जब सेल्फी व्यू पॉइंट आता ना तो वहाँ पे वो कुछ लीन का चल रहा था, निकल गई थी डाउन से नीचे से, उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। हार्डली मैंने बताया भी था पिछली बारी वीडियो में कि इसकी 20 ईयर्स की होगी ओल्ड, तो उस दिन पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि बेटा अगर तुम सच में मेरी बात को मानता है तो इस बाइक को बेच देगा और इस बाइक को चलाना बंद कर देगा। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी जो मोटो ब्लॉगिंग है ना वो टोटली ही बंद कर दूंगा, क्यूट कर दूंगा मोटो ब्लॉगिंग, ये नहीं कि भाई बाइक चलाना बंद कर रहा हूँ, मैं बाइक चलाऊंगा भाई। फिर भी एक दिक्कत और भी है कि सिदरा के अंदर जाओ ना तो भाई काम काज वाले बंदे हैं, फैमिली वाले बंदे हैं भाई, रोज़ इन डेली नहीं जा सकते हैं। अब मैंने जो भी डिसाइड किया होगा कि भाई क्या करूँगा कि अपनी गाड़ी के साथ कार के साथ व्लॉग हो गया, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हो गया, तो उनके साथ मैं व्लॉग बनाया करूँगा और बाइक चलाऊँगा, तो अपना बुलेट राजा हमारे पास ही है, सो बुलेट राजा को ड्राइव किया अगर कहीं व्लॉग वगैरह करना भी होगा तो बुलेट लेके जाऊँगा। आज भी एक दो कस्टमर वगैरह आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने देखी बाइक, मे भी हो सकता है 2-3 दिन में ही मैं इस बाइक को बेच दूँ। सो फाइनली ये बाइक को गुड बाय करने लगे हम लोग, तो जितने प्यार से मैंने ली थी ना ये और जितने प्यार से मैंने इसको सजाया था, तो इसके एग्जॉस्ट पहले चेंज किए थे, उसके बाद फिर दोबारा इसके एग्जॉस्ट चेंज किए थे, उसके बाद मैंने इसको लाइट्स वगैरह होगी आगे फ्रंट लाइट्स होगी, उसके बाद ये वाइजर इसका खुद बनवाया था, बट और चलो वो जो चीज़ें ख़राब थी वो तो लगवानी थी, उसके बाद नीचे मैंने शीट लगवाई थी कि हम कभी ऑफ रोड में जाएंगे। तो मेरा जो प्लान था ना कि मैं सोच रहा था कि भाई इस साल मैं इसको लेने तक लेके जाऊंगा, जब सिंगल था ना तो मैं कहीं भी चला जाता था तो तब दिक्कत नहीं थी, जब से फैमिली हुई है जब से हिदाया आई तब से भाई एक मैंने ट्रिप बाइक पे नहीं मारी हुई है और ना ही घर वाले अलाउ करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फैमिली के अंदर होती हैं भाई, दिक्कत नहीं। सो ये देख रहे तुम अपनी फैट बॉय, तो और जल्दी मुझे जो मैसेज आ रहे हैं ना कि भाई कलेक्शन वीडियो बनाओ, तो जल्दी ही कलेक्शन वीडियो भी आने वाली है, ये भी हो सकता है कल परसों कलेक्शन वीडियो भी आ जाएगी आराम से। करो अपनी सिदरा वाली साइड की, मेरे सामने 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिसके बाद ना कोई भी फैमिली वाला अपने बच्चे को अलाउ नहीं करेगा मोटर ब्लॉगिंग के लिए। सो मैं सबको बताऊंगा भाई जो भी बाइक चलाता है तो भाई आराम से चलाओ, सारे जितने फ्रेंड्स हैं मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि भाई
बाइक आराम से चलाओ, सेफली जाओ, सेफली आओ। बट ये है कि जब आप भीड़ में होते हो ना, अब किसी एक की गलती की वजह से ना आपको उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है यार। होता भाई, मैंने देखा हुआ है, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, नेक्स्ट वाले की गलती हो सकती है। जब लग गई सो लग गई, उसके बाद तुम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए भी ये भी रीज़न है कुछ, उसके बाद और भी अपने रीज़न है भाई। नहीं जा सकते यार, डेली नहीं निकल सकते काम। अगर हम डेली निकलेंगे सो पीछे काम पूरा टोटली फिनिश हो जाता है। ये रीज़न था जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं क्या पता करूँ भी ना, करूँगा बट अभी फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा। ये रीज़न था मेरा, और आज की वीडियो यही होने वाली है। उसके बाद अनदर कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी घर पे, आज थोड़े से मेहमान वगैरह आए थे तो वहीं लगे थे, और मैं सच में भूल जाता हूँ कि मुझे व्लॉग वगैरह करना होता है। सो मैं ज़्यादा बोर ना करते वीडियो करता हूँ यही दी। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इजी कल्ट प्लस डिग्री से राइट ना करके मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, कलेक्शन वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।